नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यार से YouTube चैनल फोकस एबी में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम लोग जो है कि विशेष लेक्चर लेकर के आप सभी के सामने मौजूद है। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित जो झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा है 2024 के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी ISC में पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट साइंस, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए आज मैथमेटिक्स क्लास 12th का लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज तो हम लोग क्लास करेंगे मॉडल पेपर जो भी है, जो भी मॉडल पेपर से रिलेटेड है झारखंड अधिविद्य परीक्षा द्वारा, उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 MCQs बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। और बच्चों, आप लोग तुरंत जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर जितना ज्यादा आप कर सकते हैं वो कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये मॉडल पेपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। ना केवल मैथमेटिक्स, आप लोगों को फिजिक्स का भी सॉल्व करवाया जाएगा, केमिस्ट्री से भी रिलेटेड सॉल्व करवाया जाएगा, बायो, सब चीज, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों का ISC में, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं IA में, या फिर BA कर रहे हैं तो IA कर रहे हैं तो आपका IA में है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए। तो सारा का सारा प्रश्न उत्तर आप लोगों को इसी चैनल के अंतर्गत मिल जाएगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं पढ़ाने से पहले ही बच्चों को क्लियर कर देता हूं कि आज क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो टुडेज टारगेट मैं लिख कर रखा हूं, मैं इसी में क्लियर करता हूं कि बच्चों को आज क्या पढ़ाऊंगा। सॉल्व मॉडल पेपर मैथ्स 2024 क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 MCQs 1 मार्क्स के लिए, ठीक है ना, पर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है ए रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 इज गिवन बाय 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3। तो ये कैसा आप पूछ रहा है कि रिलेशन है। तो देखिए, 1 को 1 जानता है, 2 को 2 जानता है, 3 को 3 जानता है, तो ऐसा रिलेशन कहीं भी नजर आए। देखिए, 1 1 2 2 3 3 है, अब 1 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, 1 2 है, अगर 2 1 होता तो सिमेट्रिक रिलेशन होता, 2 3 है 3 2 रहता तो सिमेट्रिक रिलेशन होता, तो है नहीं, तो इसे सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3, तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, खुद को खुद से जानता है, ठीक है ना, 1 1 को जानता है, 2 2 को जानता है, ऐसा रिलेशन मिले तो उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्या है, fx equal to x3 है, एक फंक्शन दिया हुआ, और डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ 0 1 2 3, ये दिया हुआ है। अब बोलता है कि fx equals to x3 है, fx equal to x3 है, तो अगर x का वैल्यू आप 0 देंगे तो 0 का क्यूब कितना होगा 0, अब 1 देंगे तो 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 देंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, और 3 देंगे तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक ये एक फंक्शन बन रहा है f, ठीक। तो अब यहां पर fx equal to x3, इसी के मतलब हम लोग काम किए। अब पूछ रहा है कि देन डोमेन ऑफ f इनवर्स का डोमेन बताओ, तो यहां से यहां तक जो मैपिंग होगा उल्टा, इसको f इनवर्स कहेंगे, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा है ना, 0 1 8 27, ये वाला आंसर हो गया 0 1 8 27, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ यहां पर साइन, ठीक है ना, और ये टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ नहीं आने की वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स MCQs को जो है कि बना नहीं पा रहे, सॉल्व नहीं कर पा रहे, और हमको कॉल करके पूछ रहे हैं कि सचिन सर बताइए कि इसका सर सॉल्यूशन बता दीजिए, हम पूरा MCQ बना देंगे, ठीक है, सिर्फ यही हमको अटका रहा है। तो ऐसा तो बहुत सारे यूट्यूबर जो है कि हमको कॉल कर चुका है, सर यही वाला बताइए और हम पूरा बना देंगे। हमने भाई, जब हमको खुद आता है तो सामने वाला क्यों बताए, हम खुद बना करके डाल ना दे। इसलिए आप लोगों का बहुत अच्छा किस्मत है, ठीक है ना, कि आप लोगों को फोकस एबी में हर एक चीज का सॉल्यूशन मिल जा रहा है, दूसरा कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, साइन टेन इनवर्स एक्स का बनाना है, कह दिया है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1 इज इक्वल टू, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहां पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ, इन चार ऑप्शन में से आपको टिक आउट करना है। तो सबसे पहले आप टेन इनवर्स एक्स को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो टेन इनवर्स एक्स को आप साइन में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, देखिए टेन इनवर्स ध्यान देगा टेन इनवर्स यहां पर है क्या बच्चों टेन इनवर्स एक्स कुछ नहीं तो वन तो ये आपका क्या है परपेंडिकुलर ये क्या है आपका बेस तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा तो एच बराबर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं और साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी बाई एच होता तो परपेंडिकुलर कितना है एक्स है हाइपोटेनस कितना हो गया पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है ना पी कितना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन स्क्वायर यानी कि वन आ ग
कर रहे थे। तो क्या चलिए अब ध्यान दीजिएगा, साइन टेन इनवर्स एक्स है, तो यहां पर लिखेंगे साइन टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझिएगा, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स अपॉन रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है cot इनवर्स 1 बाई रूट 3। तो यहां पर देखिए cot इनवर्स 1 बाई रूट 3 माइनस cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 कैसे बनेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा cot इनवर्स लिखिए सबसे पहले, और 1 बाई रूट 3 कब होता है, cot का वैल्यू 1 बाई रूट 3 कब होता है, तो tan का वैल्यू रूट 3 कब होता है ये पता कीजिए। तो tan का वैल्यू रूट 3 होता है 60 डिग्री में, tan का वैल्यू रूट 3 60 डिग्री में होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 3, क्योंकि tan का जो भी वैल्यू होता है वो cot का उल्टा होता है, तो यहां पर हो जाएगा tan पाई बाय 3, tan सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा cot पाई बाय 3, क्या हो जाएगा यहां पर cot पाई बाय 3 हो जाएगा। इस यहां पर बच्चों क्या होगा आपका cot पाई बाय 3, मतलब cot पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री, cot 60 डिग्री वैल्यू 1 बाय रूट 3 होता है, तो यहां पर आप ये लिख लीजिएगा माइनस दीजिए, और एक यहां पर फॉर्मूला लिखिए बच्चों cos इनवर्स माइनस x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक, तो ये हो गया। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, क्लियर, तो क्लियर, तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, क्योंकि हम लोग कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला जानते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अब जरा समझिएगा कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 3 का वैल्यू होता है पाई बाई 3, ठीक है, माइनस फिर क्या है पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब 1/2 कब होता है 60 डिग्री पर होता है, तो यहां पर लिखेंगे कॉस पाई बाई 3, कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है तो 60 डिग्री पर होता है यानी कि पाई बाई 3, अब यहां पर पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 क्या होता है कॉस इनवर्स, देखिए यहां पर एक फॉर्मूला इधर है कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स, ठीक है ना, इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू होगा पाई बाई 3, ठीक, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू होगा पाई बाई 3, और ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, अब देखिए पाई बाई 3 मिलकर क्या हो गया 2 पाई बाई 3, और यहां पर माइनस है तो माइनस पाई, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप एलसीएम लीजिए तो 2 पाई माइनस 3 पाई, नीचे में कितना हो गया 3, तो 2 में से 3 जाएगा कितना बचेगा माइनस पाई बाई 3, क्लियर हो गया, आंसर क्या होगा माइनस पाई बाई 3, तो देखिए मैच की मैच कीजिए बी नंबर है फटाफट एकदम स्पीड से बनाइए, आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 2x + y बराबर ये दिया हुआ, ये पूरा इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ, इक्वल मैट्रिसेस दिया हुआ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो बहुत ही आसान है, तो 2x + y बराबर 7, ये इक्वेशन 1, फिर नेक्स्ट देखिए 4x, 4x यहां पर आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 4x बराबर आप ये लीजिए, इसको इसको कंपेयर कीजिए, जैसे कि हमने इसको इसको कंपेयर किया 2x + y = 7, अब इस पोजीशन को इस पोजीशन के साथ कंपेयर कीजिए तो क्या हो जाएगा 4x = x + 6, इधर चल जाएगा तो 4 में से 4x - x = 6, ये हो जाएगा 3x = 6, यानी कि 3 2 = 6, 3 2 = 6 यानी कि x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 हो गया, अब यहां पर पुट कर दीजिए x का वैल्यू, तो 2 * 2 x का वैल्यू 2 + y = 7, तो ये हो गया 4 + y = 7, तो ये हो गया 7 है ना, तो y = 7 - 4 यानी कि 7 + 4 गया तो 3, y का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया, तो x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3, देखिए x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए + ए डैश क्या होगा, जो होगा बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए को कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 4 5 1 2 4 5 मान लीजिए, अब बोलता है कि अगर ए है ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, आप कुछ भी मान सकते हो, तो ए डैश क्या होगा, पहले तो ए डैश निकालो, एडस बराबर क्या हो जाएगा जो सोया उसको खड़ा कीजिए 1 2, जो सोया उसको खड़ा कीजिए 4 5, ठीक, तो अब जरा समझिएगा बच्चों, अब बोलता है कि a + a' का नेचर क्या होगा, है ना, a + a' का नेचर, तो a का वैल्यू रखो 1 2 4 5 प्लस a' का वैल्यू रखो 1 4 2 5, अब दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 2 2 और 4 6 4 और 2 6 और 5 और 5 10, ठीक, तो सोच पाए 1 और 1 2 2 और 4 6 4 और 2 6 और 5 और 5 10, अब इसको क्या कीजिए आप ट्रांसपोज कर दीजिए, अब इसी पर बात किया जा रहा है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, समझ पा रहे ना, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है कि a + a डैश कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो आइडेंटिटी तो नहीं होगा, यहां पर दिख रहा 1 0, ऐसा दिख रहा 1 0 0 1 दिख रहा, नहीं दिख रहा, आइडेंटिटी तो होने से रहा खत्म, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा चेक कर लीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहते हैं यदि हम किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं आया तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, तो चलिए हम इस मैट्रिक्स का नाम देते हैं एस, ठीक है, आप इसको ट्रांसपोज कीजिए और ट्रांसपोज करके चेक कीजिए, जो सोया हुआ उसको खड़ा कीजिए 2 6, जो सोया हुआ उसको खड़ा कीजिए 6 10, कोई बदलाव आया नहीं, ना बदलाव आया तो इस यानी कि एस बराबर एस डैश, दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, दोनों बराबर है यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है एस डैश बराबर माइनस एस, अगर ऐसा अगर आता एस डैश ट्रांसपोज किया अगर माइनस एस आ जाता तो फिर कहते इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये तो होने से रहा और ये भी होने से रहा, तो सिर्फ बी नंबर ऑप्शन, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाला
इसमें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि x बराबर 2 हो गया, ठीक ना, x बराबर 2 हो गया, तो आंसर a हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन क्या होगा a और b का, रिलेशन क्या होगा, ठीक। तो so that the function f is defined by, इस प्रकार से function f defined है और इस continuous बोल दिया। आपको मालूम है कोई भी function अगर continuous होता है तो उसका एक चीज जरूर होता है, left hand limit, right hand limit और functional value। functional value f3 पर functional value आएगा। सोच पा रहे हैं कि f3 पर x के value 3 पर ही continuous बोल रहा है, इसीलिए f3 पर ही functional value आएगा। क्लियर है? अब LHL RHL ये सब हम लोग बराबर लेके चलेंगे, तो लिखेंगे limit, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे LHL, left hand limit निकालेंगे, ठीक ना। तो कहां पर निकालेंगे, x tends to 3 माइनस पर निकालेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं मतलब 3 से छोटा पे निकालेंगे, ठीक ना। तो x tends to 3 माइनस, यानी कि फंक्शन fx, तो लिमिट x tends to 3 माइनस, फंक्शन fx का वैल्यू क्या करते हैं कि s के वैल्यू 3 से छोटा, तो ax + 1, यहां पर लिखिए ax + 1, तो लिमिट अब यहां पर कीजिए h tends to 0, h tends to जैसे 0 कीजिएगा तो a लिखिए, यहां पर a लिखा हुआ और x की जगह पर क्या कीजिएगा 3 माइनस h और प्लस 1। तो सर आप 3 माइनस h क्यों कर रहे हैं, तो अगर x tends to 3 माइनस है तो आप x के यहां पर क्या कीजिएगा 3 माइनस h, अगर यहां पर 5 माइनस होता तो क्या करते हैं 5 माइनस h, अगर यहां पर 6 माइनस होता तो यहां पर 6 माइनस h। आई होप आप लोग बातें समझ में आ रही होगी। अभी बढ़ते हैं फटाफट, जल्दी ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर h का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो h का वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, a 3 माइनस 0 और ये प्लस 1, तो आंसर क्या हो गया आप लोगों का, a into 3 minus 0 यानी कि 3 plus 1 यानी कि 3a plus 1। इसको आप equation 1 लेट कर लीजिए, ये आपका LHL निकला हुआ, left hand limit है ना, LHL निकला। चलिए अब RHL निकालेंगे, फटाफट ध्यान दीजिएगा। तो चलिए RHL देखते हैं, ध्यान दीजिएगा RHL लिखिए सबसे पहले RHL, इसके बाद लिखिए limit x tends to 3 plus, यहाँ पर लिखिए function fx, अब यहाँ पर लिखिए limit x tends to 3 plus, function fx क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा आप लोग, 3 प्लस में x करो 3 से बड़ा, बी एक्स प्लस 3 क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों, बी एक्स प्लस 3, यहां पर fx, यहां पर बी एक्स प्लस के 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट x, यहां पर क्या हो जाएगा अब h टेंस टू 0, अब x टेंस टू 3 प्लस के बाद हम लोग करते हैं h टेंस टू 0, तो जहां पर x है वहां पर क्या करेंगे 3 प्लस h और प्लस का 3 प्लस h और प्लस का 3। कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर x का यहां पर हम बात कर रहे हैं x टेंस टू 3 प्लस पर, x tends to 3 plus पर बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग h tends to 0 ले रहे हैं, जब h tends to 0 ले रहे हैं तो जहां पर x है वहां पर 3 plus h की है, अगर यहां पर 3 plus की जगह है, अगर मान लीजिए 5 plus होता तो यहां पर 5 plus h होता, अगर 7 plus होता तो यहां पर 7 plus h होता, अगर 6 plus होता तो यहां पर 6 plus h होता। आई होप आप लोग बातें समझ में आ रही होंगी, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा फिर आगे, देखिए b अब यहां पर 3 plus h का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो इक्वल्स टू है ना यहां प्लस 3, ठीक ना, h का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा b into 3 plus 0 plus 3, तो ये आपका हो जाएगा 3b plus का 3, ये आपका RHL आ गया, ठीक है। और फंक्शनल वैल्यू क्या होगा f3 पर, चलिए चेक करते हैं फंक्शनल वैल्यू क्या होगा f3 पर, x का वैल्यू 3 होगा, देखिए x का वैल्यू 3 होगा या फिर 3 से छोटा होगा, इस पर बात करें तो x का वैल्यू जब 3 होगा, x is less than equal to 3 बोला है ना, तो x का वैल्यू जब 3 होगा तो ax plus 1 होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा fx का वैल्यू क्या होगा ax plus 1, यही ना बोला है, यही ना बोला है fx का वैल्यू ax plus 1 होगा, लेकिन जब x का वैल्यू 3 होगा तब होगा, जब x का वैल्यू 3 मतलब x का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो क्या होगा a into 3 plus 1 यानी कि 3a plus 1, f3 पर क्या आएगा वैल्यू 3a plus 1 आएगा। और आपको मालूम है गिवन क्या दिया हुआ है, कंटीन्यूअस दिया हुआ ना, कंटीन्यूअस दिया यानी कि LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू f3 पर, तीनों का तीनों बराबर होगा, LHL क्या हो जाएगा बताइए तो फटाक से, LHL क्या आया ध्यान दीजिएगा, LHL क्या आया 3a plus 1, यहां पर लिखिए यहां पर 3a plus 1, LHL हो गया 3a plus 1, ध्यान दीजिए बच्चों LHL आपका आया है 3a plus 1, RHL क्या आया हुआ है 3b plus 3, और f3 पर वैल्यू क्या आया हुआ है, f3 पर वैल्यू क्या आया हुआ स्टूडेंट्स 3a plus 1। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या आ रहा है आंसर, ये समझिएगा, यहां पर भी 3a plus 1 है, यहां पर भी 3a plus 1 है, तो कोई एक ठो ही लेंगे है ना, तो कोई एक ठो लेंगे, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। देखिए तो 3a plus 1 लिया और इधर लिया मैंने 3b plus 3, तो ये हो जाएगा 3a minus 3b और इधर आ गया 3 minus 1, a plus 1 इधर आ गया और इधर 3b आ गया, तो 3 कॉमन लेंगे तो a minus b equals to 3 में से क्या तो 2, तो a minus b बराबर कितना आया 2 by 3, तो a minus b ये रिलेशन हम लोग के पास मिला a minus b equals to 2 by 3, जरा देखिए तो मैच कीजिए तो यहाँ पर a minus b equal to 2 by 3, तो c ऑप्शन सही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम लोग ये वाला करेंगे, ठीक है ना। देख क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, y बराबर log log x और x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए डिवाइडेड x, तब आपको निकालना है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा ही होना चाहिए तभी जाकर के log एग्जिस्ट करता है, क्योंकि x का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो वहां पर log एग्जिस्ट ही नहीं करता है,
तो यहां पर लिखेंगे y बराबर log और फिर लिखेंगे log x और हमको निकालना डिवाइड x, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर d by dx ऑफ y अभी हो जाएगा d log, फिर log x लिखेंगे और नीचे में क्या हो जाएगा log छोड़ देंगे फिर log x ले आएंगे और फिर ऊपर में क्या ले जाएंगे log x ले जाएंगे, ठीक है, और नीचे में क्या ले आएंगे log को छोड़ेंगे नीचे में x ले आएंगे। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। मैंने क्या किया फिर से एक बार समझिएगा, log लिया log को छोड़ा नीचे में log x, फिर log x को ऊपर ले गया नीचे log छोड़ा फिर नीचे में x। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा ये फार्मूला d by dx of log x, d by dx of log x क्या होता है 1 by x। अब इसको पढ़िए, इसको पढ़िए d by dx, इसको पढ़िए d by dx of log x, इसको पढ़िए x, तो d by dx of log x तो क्या होगा 1 by x, x बोले तो नीचे वाला log x, ठीक है, और into log x का तो 1 by x होता है, तो आंसर क्या हो गया 1 upon x into log x, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। देखिए तो मैच कीजिए तो 1 upon x log x, ऑप्शन सी राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, इसको बनाते हैं और आप लोगों को 10 नंबर हम दिलवाते हैं। देखिए रूट एक्स है प्लस रूट वाई है इक्वल्स टू रूट ए, ठीक है। आपको क्या निकालना है डीवाई बाई डी एक्स, क्या निकालना है डीवाई बाई डी एक्स क्या, तो देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखिए, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है 1/2 रूट एक्स, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। आप कहोगे कि सर हम लोगों को बता दीजिए कैसे होता है, प्रूफ करके दिखाइए, चलिए प्रूफ करके दिखा देते हैं। हाफ का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है ना, हाफ चढ़ गया ऊपर में, तो हाफ चढ़ गया ऊपर में, ध्यान दीजिएगा हाफ चढ़ गया ऊपर में तो हाफ बाहर आया और एक्स के माथे पर हाफ माइनस वन, तो ये क्या हो गया आपका 1/2 और एक्स के माथे पर हाफ में से एक जाएगा तो कितना बचेगा माइनस हाफ बचा ना। तो अब इसी को हम लोग लिखेंगे 1/2 और इंच आया तो एक्स टू पर प्लस हाफ और ये आपका हो गया रिजल्ट में 1/2 और हाफ का मतलब क्या होता है रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स आया ना, प्रूफ हो ना। हालांकि आप इतना कीजिए मत, अब जस्ट फॉर्मूला याद रखिए रूट एक्स का, डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी गेट, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा d root x upon x plus d root y upon root छोड़ेंगे नीचे में y, फिर ऊपर में क्या ले जाएंगे y नीचे में x और a constant उसका derivative zero हो गया, तो root x का derivative क्या हो गया 1/2 root x, फिर समझिएगा root छोड़ा नीचे में y फिर ऊपर y नीचे में x क्योंकि x के respect में कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब plus root y का क्या होगा 1/2 root y और into dy by dx बराबर के zero, तो ये आपका क्या हो गया समझिएगा 1/2 root y इंटू डीवाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। ये प्लस में था उधर गया माइनस में, ये टू से ये टू कैंसिल हो गया, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा डीवाई बाई डी एक्स बराबर आपका माइनस रूट एक्स, ये रूट वाई डिवाइड में है तो उधर आएगा तो मल्टीप्लाई में रूट वाई, आंसर क्या हो गया आपका माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आंसर क्या हो गया माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग के साथ ये टोटल 10 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया, हम लोग के साथ जुड़े रहिए, है ना। अगर आप लोग कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के जा सकते हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप पे भी आप लोग ग्रुप का लिंक दे देंगे, ठीक है ना, आप लोग वहां पर भी जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक पे भी हम लोग हैं, ठीक है ना, इंस्टा पे भी है सेम नेम से फोकस एवी के नेम से, और धनबाद में हम लोग का जो कि रेसिडेंशियल है तो यहाँ पर हम लोग कोचिंग चलाते हैं, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और जल्द ही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का सीरीज लेक्चर आएगा, ठीक है, इसके बाद फिर 21 से 30 तक का आएगा, फिर 31 से 52 तक का आएगा। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा फोकस एवी का ये प्लेटफॉर्म, और मुझे विश्वास है कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत समय दिया।